ठीक है, उन चीजों को ही हम क्या कहते हैं नॉर्मली, हम उनको कहते हैं फेयर प्ले। ठीक है, उसके बाद है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का मतभेद ना रखना, उसे कहते हैं फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब होता है अलग करना, ठीक है, अलग अलग लोगों को। यहाँ पर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों की आगे बढ़ाना, ना कि नहीं ये नहीं खेल सकते। या इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि जब हिटलर ने मना कर दिया था, दैट वॉज नॉट। इसीलिए ये रूल्स हमेशा क्यों बनाए जाते हैं हर जगह के, ताकि उसे सब फॉलो कर सके और स्मूथ गोइंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फोर्थकमिंग एक्टिविटीज और इवेंट जो है वो तभी स्मूथ होते हैं जब उनके प्लानिंग या उनके रूल्स बनाए हुए होते हैं और उन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद है कमेटीज बनी हुई इनकी, उनका फंक्शन जैसे अभी मैंने बताया कि आईओसी को फॉलो करता है आईओए। ठीक है, ऐसे ही आईपीसी क्या है, आईपीसी क्या चीज है बेटा, व्हाट इज आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो पीसीआई क्या होगा, पीसीआई क्या होगा बेटा, फिर जे आईपीसी पैरा ओलंपिक है तो पीसीआई कुछ होएगा कि नहीं होएगा, व्हाट्स दैट, नाम सुना है कभी बेटे, गिव मी रिस्पॉन्स, अदरवाइज मजा नहीं आता काम करवाने का या बोलने का। ये तो लेक्चर है जो मैडम देते जा रहे हैं और आपने सुना नहीं सुना, वन एंड द सेम वे, रिलेटेड टू पैरालंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया में भी तो मैंने अभी बोला तो है जिसे फॉलो करते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन नाउ। ठीक है, कुछ मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उन्हें करते हैं बेटा डिस्कस। लेट अस डू दैट। द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर, यहाँ पे लिखा है 776 बीसी में। ठीक है, द आइडिया फॉर रिवाइविंग द ओलंपिक गेम्स किसके द्वारा हुई है, दोबारा रिवाइव किसने किया ओलंपिक गेम को, यस हु विल स्पीक, अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव मी द आंसर बेटा, दोबारा ओलंपिक गेम्स को किसने रिवाइव किया है, ओलंपिक गेम्स को कॉबर्टिन ने बेटा, पेयर डी कबड हाँ बीपी और कॉबर्टिन ने किया है ना, बैरन पैरी डी कॉबर्टिन ने किया है। उसके बाद है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, डू यू नो, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है बेटा, स्विट्जरलैंड में है। ओके okay? स्विट्जरलैंड। हाँ किसने बैन किया था, जो एंशियंट ओलंपिक्स थे उनको बैन किसने किया था बेटे, किस किंग ने किया था, थेडोसियस ने, ही बैन द एंशियंट ओलंपिक। ठीक है, हु वाज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फाउंडर कौन था, सर दोराबजी टाटा। नहीं पता या पता है बेटे, कुछ ध्यान दो इन चीजों का। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज रिगार्डिंग द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, क्योंकि कल छुट्टी है तो लेट अस स्टार्ट दैट चैप्टर आल्सो। ठीक है, कल छुट्टी है ना बेटा, इसलिए आज इसको स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसकी रिवीजन आपको देख लो, एंशियंट ओलंपिक 776 बीसी, मॉडर्न ओलंपिक 1896, बैरन ने किया, ज्यूस ने किया, सर लडविग ने किया, यूनाइस केनेडी ने किया,
मॉडर्न ओलंपिक जो है वो सुपर समर और विंटर में है। विंटर में आइस जहाँ पर बहुत ज्यादा थी वो वाली गेम्स से सारी उसमें रखी जाती हैं। ये सिंबल्स हैं ओलंपिक के, फ्लैग है, टॉर्च है, मस्किट है, प्राइजेस हैं, मेडल्स, ठीक है ना, विक्ट्री ओपनिंग है, क्लोजिंग सेरेमनी इज देयर, देन द रूल्स आर देयर विच एवरीवन हैज टू फॉलो, ठीक है। और ये रूल्स जो है वो सबके लिए एक समान है, उसी लिए उसकी वो जो ओलंपिज्म की वैल्यूज हैं वो अभी हमने की हैं। वो कौन कौन सी हैं आपको पता है? फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है, फेयर प्ले है, सॉलिडरिटी है, उसके बाद फ्रेंडशिप है, ठीक है। ये ओलंपिज्म की सारी वैल्यूज हैं। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज फिटनेस, फिटनेस क्या है? फिटनेस किसको कहेंगे ये तो बताओ अब, व्हाट इज दैट? फिजिकल एक्टिव, डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी विदाउट अंड्यू फटीग, कोई बिना थकान के जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फिजिकल फिटनेस में लाते हैं, ठीक है बच्चे। फिजिकल फिटनेस, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब एंड योर रूटीन जॉब एंड इमीडिएटली एनी इमरजेंसी अकर एंड यू डू द वर्क विद द सेम एंथुसियाज्म विद द सेम जील, दैट इज कॉल्ड अ फिटनेस ऑफ अ पर्सन। हम जब किसी काम को अपना रूटीन जॉब तो हम डेली कर रहे हैं, उसके लिए तो हमारी बॉडी सेटअप ही है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई काम उसी तरीके का और उतनी उससे करने का हम उसे खुशी खुशी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिटनेस कॉन्टिन्यूशन में। समझ में आ गया? इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। देन व्हाट इज वेलनेस, वेलनेस क्या है कोई बताएगा बेटा? नो वन, नो वन इज देयर टू टेल व्हाट इज वेलनेस? ऑप्टिमल स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी बैलेंस जो है हमारी लाइफ, उसको हम वेलनेस के अंडर लाएंगे, ठीक है बेटा। अब फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस? एनी पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है बच्चे, कोई बताएगा? एक्सरसाइज करने से क्या होता है बच्चे? वो फिजिकल फिटनेस में आएगा, तभी तो कहा इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे अगर कोई भी काम करना पड़ जाए एकदम से तो थकान ना हो और हम उसी काम को उसी तरीके से करें, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी, जिसमें हमारी ये फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के अंडर आता है। दूसरा है मेंटल, सोशल, हेल्थ, ये सारी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं वो इसके अंदर ही आएंगे ना बेटा, सारी वही चीजें आएंगी ना इसके अंदर, उसके अलावा भी आ सकती हैं, ठीक है। फिर है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होती हैं? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कौन सी हैं? जहां पर हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन करे और कम से कम बीमारियां जो हैं वो हमें लगे, या हमारा इम्यून सिस्टम या फाइट करने का हमारी बॉडी जो है वो आसानी से फॉरेन डिजीजेज या फॉरेन बॉडी से लड़ने में के लिए हमेशा तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। और स्किल रिलेटेड फिटनेस कौन सी होती है? जहाँ पर हमारी परफॉर्मेंसेस स्किल टेक्निक्स के द्वारा अच्छे तरीके से करवाई जाती हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस की क्या इंपॉर्टेंस होंगी बेटा? हमारी लाइफ एक्टिव रहेगी, हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, एक्टिव रहेंगे सोसाइटी के मेंबर, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी अच्छी रहेगी, जब हमें कोई बीमारी नहीं है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है, तो हमारी लाइफ जो है वो खुश होगी, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। हम मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। वी आर द नेशनल प्रॉपर्टी, हम जो है एक नेशन की एक तंदुरुस्त प्रॉपर्टी है जो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज लाइफस्टाइल,
लाइफस्टाइल किसको कहते हैं बेटा? व्हाट इज लाइफस्टाइल? वे ऑफ लिविंग. हाँ, वे ऑफ लिविंग. हर एक का अपना अपना तरीका है जिंदगी को बिताने का. हम देखते हैं कई लोग जो हैं वो 40 साल में 60 साल के लगते हैं, और कई ऐसे हम देखते हैं जो 60 साल में भी 40 साल के लगते हैं. हाउ इट अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल. हमारे जीने का जो तरीका है वो हमारा लाइफस्टाइल है, और वो हमें बेनिफिट देता है या हमें नुकसान देता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बताई थी कि 3 words आर देयर, दैट इज हरी वरी एंड करी. बताए थे ना शुरू में बेटा, हरी वरी एंड करी. हरी हमें कब होती है, जल्दी कब होती है? जब हम लेट होते हैं किसी काम के लिए, गिवन टाइम है उसके बाद भी डिले करते हैं, तब हमारा हाल क्या होता है? हम जल्दी में होते हैं, और जल्दी में जब होते हैं तो हमारी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती है. कोऑर्डिनेशन सही नहीं होती है, हमारा वर्क प्रॉपर नहीं होता. वर्क प्रॉपर नहीं होने के कारण हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है, और आउटपुट भी हमारी वो नहीं निकलती जो निकलनी चाहिए. इसकी चिंता जो है वो हमेशा रहती है. वो कब होती है? जब हमारा खाना पीना भी अच्छा ना हो. जब हमारा खाना पीना जो है वो सही नहीं है, वो हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देंगे. मान लो हमने कुछ ऐसी चीज जंक फूड खाया है, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, रात भर हम सोए नहीं, सुबह हमें नींद आई, उस समय हमने काम पे जाना है या स्कूल जहां पे भी जाना है, नींद नहीं खुली, हरी में हो गए. उसके बाद क्या हुआ? माइंड में स्ट्रेस हो गया, ये भी काम कर लो, ये भी, आधा यहाँ गया आधा वहां गया, फास्ट आए, स्कूटर चलाकर आना, एक्सेलरेटर दबा दो जितना मर्जी, या तो तुम सेफली तो पहुंच जाओ, यही प्रेयर है. लेकिन अगर नहीं होता तो मैक्सिमम चांसेस में क्या होता है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. तो ये क्या है? ये हमारा लाइफस्टाइल है. इसी तरीके से आजकल जो है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बच्चे रात को 2-3 बजे तक सोते नहीं, उसके बाद सुबह उठते नहीं. ऑनलाइन में है तो ये आराम है कि हम रात को सोएंगे नहीं, सुबह उठकर बस वहीं पे बैठ जाएंगे और टीचर को सुन लेंगे. बट व्हेन यू हैव टू कम टू द स्कूल और टू गो टू अ सर्टेन प्लेस, तो तुम्हारे लिए ये क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. स्लीपलेस होने के कारण बॉडी में चेंजेस आती हैं, बॉडी जो है वो ठीक नहीं रहती. इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ता है? तुम्हारी सेहत पर पड़ता है. तुम्हारी डजंट मीन यू ओनली, एवरीवंस, ठीक है. ये किसी एक के लिए नहीं कहा जा रहा, ये नॉर्मली लाइफस्टाइल को दर्शाया जा रहा है. उसके बाद आलस, लेजीनेस, लथार्जिकपन, स्लैकनेस, यहाँ से वहां तक नहीं उठना, कोई बात नहीं, कोई दे देगा, नहीं देगा चल जाएगा, खाने के लिए नहीं उठना, खुद कुछ नहीं करना, ये क्या चीजें हैं? ये हमारे लाइफस्टाइल का ऐसा पार्ट है जो हमें, दे आर मूविंग अस टुवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. ऑबेसिटी जो है वो आजकल बहुत नॉर्मल है. ऑबेसिटी के कारण कितनी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, हर बोन्स की हैं, आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, मूवमेंटलेस है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, डिप्रेशन लेवल बढ़ गया. क्यों बढ़ गया? व्हेन यू आर नॉट एक्टिव तो तुम्हारा मेन क्या होगा? तुम्हारा सोसाइटी में मूव करना भी कम होगा. सोसाइटी में जब मूव नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो है, व्हाई? व्हेन वी आर विद अदर्स वी लर्न मैनी थिंग्स. जब हम दूसरे से मिलते हैं या दूसरे के साथ जाते हैं या एक्टिविटी करते हैं, हम कई चीजें लर्न करते हैं जो घर बैठे हमारी नहीं हो पाती हैं. इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज कॉल्ड अ लाइफस्टाइल, ठीक है. अब लाइफस्टाइल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा बैलेंस डाइट का लेना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज का करना बहुत जरूरी है, फन का होना बहुत जरूरी है, स्लीपिंग टाइम्स, रेस्ट टाइम शुड बी देयर, ठीक है, आउटपुट देने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, एंड हियर समटाइम्स हेरिडिटरीज आर आल्सो काउंट एट वेरी मिनिमम स्टेजेस, ठीक है. ये नहीं कि सारी, और कई बार ऐसा क्यों होता है, हेरिडिटरी काउंट होती है जो हमें प्रॉब्लम देती है, ठीक है बेटा. ये हम जनरली रोज देखते हैं या रोज महसूस करते हैं. अपने आप को अगर 10 मिनट बैठकर मेडिटेशन करो एंड फील करो कि आज का मेरा क्या स्टाइल था, हाउ आई कैन चेंज माई लाइफ स्टाइल, हाउ आई गेट द मैक्सिमम थिंग,
इसके बारे में अगर हमने ही तो अपने पेरेंट्स से सुना होगा या उनसे जो फोर फादर्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं कि हम तो सुबह सुबह उठकर पढ़ते थे, हम सुबह उठते थे। वाय पॉल्यूशन पहले वहां उस टाइम वैसे भी कम था, लेकिन सैर करने लोगों का जाना, वर्किंग करनी, सिटिंग में थी मैक्सिमम आउटपुट, जिसके कारण खुश रहना, थकान होना, आराम से सो जाना, नींद का पूरा लेना, शरीर को जो है वो आराम मिलता था। हमारे बॉडी के सेल्स जो सारा दिन काम करते हुए टूट जाते हैं, वेयर टेयरिंग के लिए स्लीपिंग रेस्टिंग टाइम उनको मिल जाता है, और तभी हम सुबह फ्रेश उठते हैं। जबकि आजकल लोग मैक्सिमम आर कंप्लेनिंग, मेरा सिर हैवी है, दुख रहा है, आई एम नॉट फ्रेश, माई आईज आर पेनिंग, दीज आर द थिंग्स जनरली वी यूज टू हर्ड अबाउट दीज थिंग्स। ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे वो है कि हमें अपनी कैसे इम्प्रूव करनी चाहिए लाइफस्टाइल। तो ऑब्वियसली जो काम कर रहे हो उसे नहीं करोगे तो बेटर होगे। खाना अगर बैलेंस डाइट खाओगे, बैलेंस डाइट में ये भी नहीं है कि नाप तोल के खाना है या इतना इतना, बट व्हेन यू आर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी, ऑबेसिटी या मोटापन कब होता है, जब तुम्हारी इनपुट ज्यादा होती है प्लस में होती है और आउटपुट कम होती है, तब हमें में मोटापा आता है, जब मोटापा आता है तो हमें बीमारियां आती हैं। जब हमारी इनपुट से ज्यादा आउटपुट होगी, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह सब कुछ ज्यादा होगी, तो हमारे शरीर जो है वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और मैक्सिमम आउटपुट देगा। ठीक है, परफॉर्मेंसेस वेल होंगी, हम खुश रहेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो जो हम अपने लिए नहीं कर सकते, फिर वो हम अपने परिवार के लिए क्या करेंगे। वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर एनीवन, इवन फॉर आवरसेल्फ इफ वी आर नॉट वेल, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और कल हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस जो है वो